हेलो फ्रेंड्स, 100 डेज एक्शन प्लान ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट में आज हमारा 7th पार्ट है। अब तक आपने हमारे 6 पार्ट नहीं देखे, जाओ विजिट करो। और ये हमारा 7वां पार्ट है जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। लास्ट हमने 49 डेज तक का मैंने आपको एक्शन प्लान ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो आपके लिए, जैसे लेके 64 डेज तक का एक्शन प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है तो इसी के साथ एक लाइक तो बनता है गाइस। अब एग्जैक्टली 50वें दिन पे क्या करना है, 50 डेज पे आपको करना क्या है, आपको अपनी साइट ऑडिट करनी है। अब तक हम दूसरों की साइट तो बहुत ऑडिट कर ली, अब हमें हमारी साइट ऑडिट करनी है। इससे आपको आइडिया आएगा आपका DAPA कितना है, इससे आपको PA अपना पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा आपकी वेबसाइट की कितनी ग्रोथ हो रही है, आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा। हाँ गाइस, अभी मेरे बात पे भरोसा कर लो, आपके लिए बहुत फायदा होगा। आपको अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपको अपना एक आर्टिकल अपडेट करना है उस दिन पे, 4 बैकलिंक बनानी है और अपना कंटेंट लिखना है और उसे शेयर कर। 51 डे पे क्या करना है, आपको एक अपडेट करना है, 4 बैकलिंक बनानी, अपना आर्टिकल लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है और शेयर कर। ये आपको 51 डेज से लेके 53 डेज से नेक्स्ट 3 डेज तक आपको ये काम करना है। तो गाइस आपको समझ में आ जाएगा 53 डेज तक अब एग्जैक्टली क्या करना है। नेक्स्ट 4 डेज ये थोड़ा बड़ा होने वाला है समझो, ठीक है। अब 54 डेज पे क्या करना है, आपको फाइंड ब्रोकर लिंक फाइंड करने, एक आर्टिकल अपडेट करना है, 4 बैकलिंक बनानी है, एक आर्टिकल लिखना है और शेयर करना। इसका मतलब क्या, ब्रोकर लिंक मतलब क्या, सर पहले ये तो बता दो ब्रोकर लिंक मतलब क्या होता है। ब्रोकर लिंक मतलब आपने जो भी बैकलिंक्स और जो भी लिंक्स बनाई है आपने अपने पोस्ट वेबसाइट पे, ठीक है, वो चेक करो आपकी वेबसाइट पे ब्रोकर लिंक नहीं हो। अगर आपकी वेबसाइट पे ब्रोकर लिंक होती है इससे आपके रैंकिंग में इश्यू हो सकता है। गाइस ट्राई करो और चेकआउट करो अपनी वेबसाइट पे कितने ब्रोकर लिंक है और उसे चेंज करो, अपडेट करो टाइम टू टाइम। अगर आप अपडेट करते हो अपनी वेबसाइट इससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो गाइस जाओ अपनी साइट ऑडिट करो, जा सकते आपके जो भी चीजें ब्रोकर लिंक सब कुछ उसको ठीक ठाक करो, अपने पोस्ट करो और 4 बैकलिंक बना के कंटेंट शेयर करो। ये आपको डे 54 के 64 डेज तक तो एक काम करना है, आपको अब एक पोस्ट अपडेट नहीं करना है, आपको 2 पोस्ट अपडेट करने। हाँ गाइस, आपको 2 पोस्ट अपडेट करने, 5 बैकलिंक्स क्रिएट करनी है और आर्टिकल लिखना है और शेयर करना है। अब इससे आपको एक आइडिया आता रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू इससे आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, काम इजी हो रहा है और ग्रो मिल रही है आपको, अब दिखता रहेगा आपकी ग्रोथ लेवल। तो गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, अगर आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप वो लिख सकते हो। मैं हूं धर्मश्री अमित, ओनर एंड फाउंडर ऑफ अमित धर्मश्री.com। फिर मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।